पश्चिम बंगाल जिला आलिपुरद्वार के कालचीनी एवं मादारी हाट ब्लॉक को चाइल्ड ट्रैफिकिंग का हॉटबेड कहा जाता है। एक्शन एट सर्वे 2015 के अनुसार 10 महीना में तकरीबन 2837 पीड़ित ट्रैफिकिंग का शिकार हुए हैं पश्चिम बंगाल से। 13 साल की पूजा बदला हुआ नाम इन्हीं में से एक है, जो 5 साल पहले 2013 में काम एवं शहर की चकाचौंध का सपना दिखाकर जम्मू कश्मीर में बेचने का आरोप है आरोपी पर। इस घटना का खबर पाकर मैं केस का रिसर्च किया, एनजीओ एवं पुलिस के साथ परिवार वालों से मिलकर बात की, फिर जनवरी महीना में आयु वीडियो बनाया। अब बच्ची घर लौट आई है, लौट आने में सफलता मिली है पुलिस एवं एनजीओ के द्वारा। पूजा अपने परिवार वालों से मिलकर बेहद खुशी है। बच्चा लाने के लिए कैसा व्यवस्था किया आपने? पहले थाना गए, उसके बाद कुछ एजेंसियों ने मेरी मदद की। कौन कौन मदद किया आपका? कमल कुछ वीडियो वॉलंटियर से। हाँ। बच्चा फिर से ना जाए, इसके लिए आप क्या करेंगे अभी? उसको किसी चीज़ों में उलझा के रखूँगी, पढ़ना चाहेगी तो पढ़ाऊँगी, बस यही मेरे पास। बच्ची को देख के आंसू आ गए आँखों में, खुशी के मारे कि इतने दिनों के बाद मेरी बच्ची वापस आई। सफलता का पूरी प्रक्रिया शुरू होती है माँ की दृढ़ इच्छा, पुलिस प्रशासन की कार्रवाई, एनजीओ और मेरा आयु वीडियो बनाने से, समुदाय का सकारात्मक समर्थन से। बच्चा वापस लौट आने से माँ और परिवार वालों तथा पुलिस प्रशासन भी खुशी व्यक्त की है। कालचीनी पुलिस स्टेशन में जनवरी 2018 में एफआईआर दर्ज हुआ था। कालचीनी पुलिस कार्रवाई शुरू करती है। एफआईआर के ठीक 99 दिन बाद पूजा को जम्मू कश्मीर से रेस्क्यू कर लाया जाता है अप्रैल 2018 को। जब से हम सबको इन्फॉर्मेशन मिला कि एक बच्ची ट्रैफिकिंग होके कश्मीर में गई है, उस परिवार को जाके हम लोग काउंसलिंग किए, उनको थाने आने तक के लिए एक मदद दिए, एफआईआर दर्ज हुआ, हम लोग का हरिहर नागवंशी उनके सहायता, और भी हम लोग का दूसरे न्यूज़ चैनल पेपर ये सब के मदद से, प्लस पूरे टीम हम लोग का कृपा के जो टीम है उनके पूरे मदद और हौसला करवा पाए। फिर हरिहर नागवंशी के इन्फॉर्मेशन के माध्यम से हम लोगों का एक बचपन बचाओ आंदोलन, उनसे कांटेक्ट हो पाया, फिर बच्ची को वहाँ से रिकवरी करके लाए, लाके थाने में थाने से उनको 164 भी करवाया गया। एनजीओ दे सहयोगिता আর হচ্ছে ও টেলিফোন নাম্বার ছিল যে মেটার সাথে কাজ করতে গিয়েছিল মুসকান, ওকে ওই জায়গাটা পাঠানো হয়েছিল। পাঠানোর পর ওখানে যে থানা ছিল সেই থানা আমাদের থানার সাথে যোগাযোগ করে সেই মর্মে আমরাগুলো ওর ডিটেলসটা হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দেওয়া যায়। পাঠিয়ে দেওয়ার পরে ওখানকে যেই ছেলেটা ও চুক্তি ভিত্তিক ওকে কাজে লাগিয়েছিল তার অ্যাড্রেস ওই থানার সংগ্রহ করে সেখান থেকে রেস্কিউ করে। आरोपी एजेंट को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है आईपीसी 365 के तहत। और अभी 5 साल में बच्ची के नाम 45,000 चेक सिटी प्लेसमेंट ऑफिस श्रीनगर इशू किया है और 5,000 केस दिया गया है।
पाँच साल बाद बिछड़ा बेटी अपनी माँ से मिलती है। इसलिए मैं हरिहर नागवंशी मेरा तरफ से और वीडियो वॉलंटियर की तरफ से बच्ची को वापस लाने वाले समस्त मददगार एनजीओ एवं पुलिस डिपार्टमेंट को तथा उनकी माँ को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में इस तरह की अमानवीय घटना ना हो, इसके लिए सतर्क सावधान जागरूक रहने की अपील करता हूँ समुदाय से। मैं हरिहर नागवंशी पश्चिम बंगाल से, इंडिया अनहट के लिए।